सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को बुलाता है इस बात पर ध्यान देने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु के बारे में हम लोग कितना जान चुके हैं, कितना समझ चुके हैं, कितना हम लोग प्रभु को अपना चुके हैं, इन सभी बातों पर विचार करने के लिए प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा निमंत्रण देता है। वचन प्राप्त है आज के दिन में संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 22 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले ये लिखा है, ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। मुख्य रूप से सवाल ये है, यीशु कौन है और यीशु के बारे में लोग कितना जान चुके हैं, यीशु कौन है, यीशु के बारे में यीशु के शिष्य कितना जान चुके हैं, इस बात को लेकर प्रभु सवाल करते हैं। अभी अगर मान लो कोई संकेत है, कोई इंडिकेशन है, कोई संकेत है, वो संकेत हम समझेंगे तभी जाके उस संकेत के द्वारा दिया जाने वाला संदेश हम समझेंगे। अगर संकेत नहीं समझेंगे तो उस संकेत के द्वारा इंगित किया जाने वाला संदेश भी हम नहीं समझेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से इस बात का संकेत देने आए थे कि हम सबों का एक पिता है, वो पिता कौन है, पिता कैसा है, पिता क्या है, वो क्या करता है, इन सभी बातों को, इन सभी रहस्यों को प्रकट करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते हैं क्या लोग इस महान महान रहस्य को समझ पाए या नहीं समझ पाए कि ईश्वर इस धरती पर मनुष्य बन के क्यों आया और उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या सिखाने, क्या बताने वह इस धरती पर आया, क्या इन सभी बातों को मनुष्य समझ गया या नहीं समझ गया, इस बात को जानना चाहते थे। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आके कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने ईश्वर को देखा है, जो मुझे सुनता है वह ईश्वर को सुनता है, जो मेरी बात मानता है वह ईश्वर की बात मानता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का रूप दर्शाने के लिए, ईश्वर का परिचय दिलाने के लिए, वह ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है, वह ईश्वर हम सबों को क्या योजना बना के रखा हुआ है, इन सभी बातों को बताने के लिए आए थे। ये बात तभी हम समझ पाते अगर हम प्रभु यीशु को जानेंगे, यीशु को समझेंगे, तब हम यीशु के द्वारा हम सबों के प्रति प्रकट किए जाने वाली ईश्वर की बातों को हम समझेंगे। इसलिए प्रभु यीशु इस उद्देश्य से सवाल करता है क्या लोग इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से सवाल किया, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तब लोगों को समझ में नहीं आया था, निश्चित है, इसलिए लोगों का उत्तर भी गलत रहा। किसी ने कहा यौहन बपतिस्ता, किसी ने कहा एलियास, किसी ने कहा पुराने नबियों में से कोई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यानी कि किसी को भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों इस धरती पर आए, क्या बताने के लिए आए, क्या संदेश देने के लिए आए, इन सभी बातों को लोग समझ नहीं पाए। जब लोग समझ नहीं पाए तब प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए अपने प्रेरितों से, अपने शिष्यों से पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, यानी कि तुम लोग मुझे
जो नजदीक से मेरा अनुसरण कर रहे हो, 3 साल से मेरे साथ हो, जाना आना, उठना बैठना, खाना पीना, सारे चिन्ह चमत्कारों को तुम नजदीक से देख रहे हो, तो तुम लोग कितना समझ गए। इसलिए प्रभु अपने प्रेरितों से पूछता, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप ईश्वर के मसीहा हैं। अब ईश्वर के मसीहा हैं, ये जिस बात को जब पेत्रुस के द्वारा प्रकट किया गया, प्रभु यीशु ने पेत्रुस से कहा और अन्य लोगों से कहा, इस बात को किसी से भी ना बताया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु को प्रकट करने के बाद प्रभु चाहते थे कि प्रभु के शिष्य प्रभु के जीवन को समझें, किस प्रकार का जीवन है, क्रूस का जीवन, त्याग तपस्या का जीवन, बलिदान का जीवन, सूली पर मरने का जीवन, मरने के साथ लोगों को पाप की दासता से छुड़ाने का जीवन, और मरने के बाद पुनरुत्थान के द्वारा सबों को फिर से पिता के साथ मिलाने का जीवन, ये सारे रहस्यों को पूर्ण करना था। इसलिए प्रभु नहीं चाहते थे लोग इन सभी बातों को समझें, जाने और गलत समझें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे सारी बात लोगों को समझ में आ जाए, इससे पूर्व कि वो अपना पूरा काम ना करे, इसलिए उसको गुप्त रखने के लिए प्रभु ने कहा। और उसके बाद प्रभु हम सबों को सिखाता है यीशु को जानने के लिए, यीशु को समझने के लिए हमें यीशु के पास जाना होगा, यीशु का वचन सुनना होगा, यीशु से प्रार्थना के द्वारा यीशु का अनुभव करना होगा। जानकारी जरूरी है, लेकिन जानकारी पर्याप्त नहीं है। प्रभु को गहराई से जानने के लिए प्रभु के पास जाना होगा, वचन सुनना होगा, पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु को गहराई से अनुभव करना होगा। केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जरूरी है, लेकिन अनुभव हमें यीशु के पास ले जाता है, यीशु में मजबूत करता है, विश्वास में मजबूत करता है। इसलिए यीशु को जानने के लिए हमें यीशु के पास जाना है, यीशु का वचन सुनना है, प्रार्थना करना, अनुभव हासिल करना। आज के दिन में प्रभु यीशु में से ऐसे लोगों को चाहता है जिसने प्रभु का अनुभव किया हो। केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, जरूरी है, पर्याप्त नहीं, लेकिन अनुभव हासिल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु का अनुभव हासिल करने के लिए भाइयों बहनों हमें दिन प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। जब हम प्रभु का अनुभव के तरफ और जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तब जाके हम पूर्ण रूप से प्रभु को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, प्रभु की योजना, प्रभु के उद्देश्य, प्रभु के लक्ष्य समझ जाएंगे, और एक सुंदर क्रिश्चियन जीवन हम बिता पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो व्यक्ति प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकता, यानी कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए भलीभांति प्रभु को जानना समझना होगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा विश्वास को मजबूत करें, और विश्वास के द्वारा ईश्वर को जानने का समझने की चेष्टा करें। जितना बेहतरीन हमारी जानकारी होगी, जितना सुंदर गहरा हमारा अनुभव होगा, उतना सुंदर हमारा समर्पण होगा प्रभु के प्रति। इस प्रकार से जीवन बिताने से हम ना केवल प्रभु की गवाही बनते हैं, प्रभु के साक्षी बनते हैं, बल्कि प्रभु के कार्यों को अपने जीवन के द्वारा हम आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि हम प्रभु का अनुभव हासिल करें। कोई उनसे पूछता है यीशु कौन है तुम्हारे लिए, हम बोल पाए इस प्रकार से बोल पाए शब्द के साथ साथ और जीवन के द्वारा उनको समझा सकें कि मेरे लिए यीशु कौन है। यीशु को जानने से, यीशु को मानने से, यीशु में विश्वास करने से मेरा जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या नयापन आया है, कैसे मैं जीता हूँ, मेरे हाव भाव से, सोच विचार से, उठने बैठने से, रहन सहन से मैं प्रकट कर सकूँ कि मैं यीशु को जानने वाला व्यक्ति हूँ, यीशु को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और यीशु को जानने से मानने से मेरे जीवन में क्या फर्क, क्या नयापन आया है, इस बात को मैं दूसरों को जता सकूं, बता सकूं। इस प्रकार से प्रभु की महिमा मैं अपने जीवन के द्वारा निरंतर करने वाला बन सकूं। इसलिए आज के इस संदेश को सुनते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि दिन प्रतिदिन हम प्रभु के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सब उनकी सहायता करें, हम सब उनकी मदद करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।